बीच बड़ी खबर ये कि गैर व्यापी की एसआई सर्वेक्षण पर याचिका स्वीकार कर ली गई है। वेस्टर्न वॉल की जांच हो, जो तथाकथित मस्जिद है उसके जो तीन गुम्बद है उसके नीचे हिंदू मंदिर का गुम्बद है, हिंदू मंदिर का शिखर है, उसकी जांच की जाए। पूरे परिसर का ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए सर्वेक्षण हो। देखिए, हर एक दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है, चाहे इस केस में हम जीते चाहे हारे। इस तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न वॉल चीख चीख के कह रही है कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, ये क्या स्ट्रक्चर है, और साथ ही साथ जब नीचे अगर कोई स्ट्रक्चर मिलेगा तो उसकी कार्बन डेटिंग की जाए। और इस विवाद में आज हिंदू पक्ष कोर्ट पहुंचा था और पूरे ज्ञान व्यापी परिसर का सर्वे हो जाए इस बात की याचिका लगी। यहाँ तो जाके खड़े हो जाओ उसके सामने ज्ञान व्यापी के, आंख वो मस्जिद चीख चीख के बोलती है कि मैं किसी और की अमानत पर बनी हुई हूँ। इस तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न वॉल चीख चीख के कह रही है कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। मैंने हमेशा से कहा है, पहले दिन से कहा है, ये पूरा प्रांगण सील होना चाहिए था, पूरा ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे को देना चाहिए था। जो पुराने मेरे साथी मुझसे जुड़े हुए हैं वो समझ गए होंगे कि इस बात पर हमारा भाई रिजवान अहमद हंस क्यों रहा है। समझ गए होगे ना क्यों हंस रहा हूं। भैया, ना मैं हिंदू पक्ष का ना मैं मुस्लिम पक्ष का, मैं तो सत्य के पक्ष का, ना मैं खिलाड़ी के पक्ष का ना मैं ब्रजभूषण के पक्ष का, मैं सत्य के पक्ष का। और सत्य के पक्ष का, तर्क के पक्ष का, लॉजिक के पक्ष का, रीजनेबिलिटी के पक्ष का, कॉमन सेंस के पक्ष का और समाज के पक्ष का। तो साथियों, आप लोग समझ गए होंगे कि रिजवान अहमद एक अकेला ऐसा आदमी था सारे कमेंटेटर्स में, सारे चैनल्स पे, सारे यूट्यूबर्स में जो सबसे अलग हटके बात कर रहा था। लेकिन जो पुराने जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि आज रिजवान अहमद खुश क्यों है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो भाई, वो ही हुआ पर साल भर देरी से हुआ, वो ही हुआ। आपका भाई एक साल से जो बात बोल रहा था, और मुझे यकीन है कि आप लोगों को याद होगा, और याद हो तो प्लीज लिख देना, मुझे अच्छा लगेगा कि ये लड़ाई एक बार अगर प्रथम दृष्टिया सबूत मिल गए हैं, वहां पर डमरू त्रिशूल घंटी आदि मिल गई हैं, कुछ प्रथम दृष्टिया सबूत हैं, तो इस लड़ाई को एक व्यापक तौर पे लड़ो, पूरे प्रांगण को एक साथ लेके चलो। याद होगा, और इस बात पर यह भी आप लोगों को याद होगा कि दो डिबेट्स में मेरा भाई विष्णु जैन से थोड़ी सी तकरार हो गई थी, पर जाहिर बात है मुझे चुप होना पड़ा क्योंकि प्रोटैगनिस्ट नायक वो हैं, मैं नहीं, मैं तो सिर्फ उनको एक राय दे रहा था। और एक साल बाद वर्बटिम एग्जैक्टली वही हुआ है जो आपका भाई बोल रहा था कि पूरे प्रांगण की जांच होनी चाहिए, चवन्नी चवन्नी अठन्नी दस पैसे में ये लड़ाई ना लड़ो, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और इस मंदिर मस्जिद, अभी मैं मंदिर मस्जिद बोल रहा हूं, कि विवाद का राज जमीन के नीचे है। और इस पर मैंने कुछ समय पहले एक पूरा वाइट बोर्ड पर समझाया था। कुछ साथी या बहुत से साथी हमसे नए जुड़े हैं, पहले मेरे ये पुराना वीडियो देखें फिर आगे बात करते हैं। बड़ा रफ स्केच बनाया है, एक तरफ मंदिर है, मंदिर की जो कॉमन वॉल है वो मस्जिद से मिलती है, एक तरफ मस्जिद है, मंदिर को ओम से दर्शाया है और मस्जिद को चांद तारा से दर्शाया है। अब जो मैं बार बार बता रहा हूं कि राज धरती के नीचे है, वो इस कारण है, ये एक फॉर्मेट है जिस तरह से कंस्ट्रक्शन होता, आज भी होता है, पहले भी होता था। ये जो आप देख रहे हैं ये फाउंडेशन है, ये है फाउंडेशन, ये कहलाती है फाउंडेशन। फाउंडेशन के ऊपर ये जो एरिया है ये कहलाता है प्लिंथ, प्लिंथ। ऊपर का इलाका कहलाता है सुपरस्ट्रक्चर और इससे नीचे का कहलाता है सबस्ट्रक्चर। आरोप है कि मस्जिद मंदिर को तोड़ के बनाई गई है। इसके तीन चार दोस्तों पहलू हैं। पहला,
जब भी कोई किसी स्ट्रक्चर को तोड़ के उस टाइम में आप कोई भी आप इसको आप उठा के देख लें कोई चीज बनाता था तो कम से कम प्लिंथ वो ही यूज करता था जो ओरिजिनल होती थी। यानी यहां पर मान लीजिए एक मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ा गया, प्लिंथ एरिया वो ही यूज किया जाएगा जो पहले मंदिर में था और उसके ऊपर उसके मलबे को इस्तेमाल करके मस्जिद खड़ी कर दी गई। अब अगर हम ये भी मान लें कि प्लिंथ एरिया आपने चेंज कर दिया, बदल दिया या नया बना दिया, तो नीचे का जो फाउंडेशन है वो आपका हर सूरत में सेम रहेगा। तो साथियों, देर आए दुरुस्त आए, एक अकेला आपका भाई था जो चैनल्स पे घूम घूम के बोल रहा था कि ये लड़ाई का जो डायरेक्शन है वो गलत है, लड़ाई को लंबा किया जा रहा है। जो याचिका 3 दिन पहले पड़ी है वो याचिका पहले सर्वे के तुरंत बाद पड़ जानी चाहिए थी। लगभग एक साल, एक 1 ईयर ये याचिका देरी से पड़ी है। तो आई एम सो हैप्पी कि एक जगह बोल के, एक अपने छोटे से मन से बोलकर, जो बात कोई नहीं बोल रहा था, कोई एक्सपर्ट नहीं बोल रहा था, कोई जो ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ रहा है नहीं बोल रहा था, आपका भाई अकेले मोर्चा लिए हुए था कि ये लड़ाई का तरीका गलत है, लड़ाई का तरीके को लंबा किया जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है और चवन्नी चवन्नी 10 पैसे करके लड़ाई चल रही है। सो आज नतीजा कुछ भी हो, मैं बोलता हूं आज मेरे लिए बतौर वक्ता एक बहुत हर्ष खुशी का बात है, बड़ी कॉन्फिडेंस की बात है। मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है आज वो इतना हाई है कि मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी बोली बात, मेरी दी राय कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। सोचो कितनी बड़ी बात है, एक छोटा सा मंच, कुछ करीबन दोनों प्लेटफॉर्म मिला के, फेसबुक और यूट्यूब मिला के करीबन 11 या 12 लाख सब्सक्राइबर्स। अरे यार क्या होते हैं 11-12 लाख सब्सक्राइबर, कितने बड़े बड़े चैनल चल रहे हैं। और जहां भी ये मैं बोलता था मुझे चुप करा दिया जाता था कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मैं कहता था आखिर में ऐसा ही करना पड़ेगा, आखिर में पूरे प्रांगण का राज जमीन के अंदर से निकलेगा। और अभी भी बोल रहा हूं कि महादेव शिवलिंग का राज फव्वारे फाउंटेन से होके निकलेगा। आज भी मेरा एक कथन है, बट आई एम सो हैप्पी कि जो बात मैंने एक साल रिपीट करी आज मान ली गई है। और चलते चलते भारत में पिछले 10 दिन में आपके भाई की 2 बातें मानी गई हैं। एक तो ये मानी गई है जिससे मुझे वाकई बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है, बिकॉज आई वॉज फ्लोइंग अगेंस्ट द फ्लो। मैं एक ऐसी बात कर रहा था जो कुछ लोगों को इरिटेट कर रही थी, खासतौर से उन लोगों को इरिटेट कर रही थी जो ये लड़ाई लड़ रहे थे कि यार ये आके खामखा चैनलों में बैठ के राय दे रहा है। मेरी राय गलत नहीं थी, क्योंकि मेरी राय दिल से होती है, कन्विक्शन से होती है और यकीन से होती है कि जो मैं राय दे रहा हूं उसमें कोई एजेंडा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, वो निस्वार्थ राय है और लॉजिकल राय है और तत्पूर्ण राय है। और इसी 10 दिन में आपके भाई की एक दूसरी राय मान ली गई कि जब ये खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे, पहले तो भाई ने आपके इनको सही FIR करने का तरीका बताया। मतलब कितनी बड़ी बात है, 10 दिन में इस छोटे से प्लेटफॉर्म की 2 राय मानी गई हैं। और डायरेक्टली जब मैंने उनको तरीका बताया तो कुछ लोग जो वाकई खेल प्रेमी हैं वो मुझसे नाराज हो गए, और कुछ लोग जो खिलाड़ियों के साथ हैं सिर्फ इस मारे क्योंकि उनको लग रहा है इसके चलते हम मोदी को बीजेपी को टारगेट कर लेंगे। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं, जिनको गाली देने का ज्यादा शौक है। तो ये देश बट चुका था खिलाड़ियों के पक्ष में, ब्रजभूषण के पक्ष में बट चुका था ना। आपका भाई ने एक बात कही थी जब सारे खिलाड़ी कह रहे थे गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो, और सारे वो लोग जो खामखा खिलाड़ियों के साथ हो गए थे, जिनको कुश्ती का नहीं पता, जिनको खिलाड़ियों के नाम नहीं पता, कौन कौन से खिलाड़ियों को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं ये नहीं पता, कौन कौन से खिलाड़ियों ने कहां कहां मेडल जीते हैं ये नहीं पता, यानी उन जाहिलों को कुछ नहीं पता, सिर्फ वो खिलाड़ियों के हमारे साथ हो गए, बड़े खेल प्रेमी हो गए, कुश्ती प्रेमी हो गए, क्योंकि खिलाड़ी उनको लगा मोदी जी के खिलाफ अगर खिलाड़ियों का बल बढ़ेगा तो ये मोदी सरकार के खिलाफ जाएगा। जो मैंने बताया था चीते करने से भी खुश हो जाते हैं, वो भी कह रहे थे गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। ये एक ऐसा मंच था जो कह रहा था जब तक 164 का बयान नहीं होगा ब्रजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और आखिर में खिलाड़ियों को भी वही करना पड़ा
कि खिलाड़ियों का 164 का बयान हो गया है। इस पूरी लड़ाई में आप लोग किसी वक्ता के मुंह से 164 का बयान नहीं सुन रहे होंगे, सिवाय इस छोटे से मन से जो आपके दम पर बढ़ रहा है और चल रहा है। सो इट इज अ वेरी हैप्पी डे फॉर मी कि भारत में दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर खिलाड़ियों ने आखिर में वही बात मानी जो आपका भाई बोल रहा था, और इधर मंदिर पक्ष ने वही बात मानी जो आपका भाई एक साल से बता रहा था कि ये लड़ाई का रास्ता इस तरह निकलेगा, उस तरह नहीं निकलेगा कि आप वजू खाने में महादेव और शिवलिंग की लड़ाई लड़ते रहें। और चलते चलते बात तो एक तीसरे ने भी मान ली, जब कर्नाटका में 4% रिजर्वेशन खत्म हुआ तो उन्होंने जुमे के बाद मस्जिदों के बाहर निकल के नारेबाजी नहीं करी, पत्थर नहीं चलाए, गाड़ियां नहीं तोड़ी, पुलिस पर हमला नहीं करा, रास्ते नहीं रोके, बवाल नहीं किया। उन्होंने भी मेरी बात मानी। हाँ यार, ये तो देखो दिमाग ही में नहीं आया, अभी बात करते करते आ गया। यानी पिछले कुछ हफ्ते में आपके भाई की छोटे से मंच की बात तीन लोगों ने मान ली है, और एग्जैक्ट पहली मंदिर पक्ष ने मान ली है, दूसरी खिलाड़ी पक्ष ने मान ली है, और तीसरी हमारे भाइयों ने मान ली है कि उन्होंने कर्नाटका में रिजर्वेशन खत्म होने के बाद बवाल नहीं किया। यही मैं इन लोगों को समझाता था, देखो उन्होंने भी मेरी जाने अनजाने बात मान ली कि यार जुमे के दिन ना पत्थर चलाया करो, ना बवाल करा करो, नमाज पढ़ा करो, इबादत का दिन है और घर जाया करो। शुक्र है खुदा का, इन्होंने भी मान ली है। अब चलते चलते आखिरी बात, पूरे प्रांगण को सील करो, औपचारिकता के नाम पर 5 आदमियों को वहां पर माता सिंगार गौरी पे पूजा करने की अनुमति दो, 5 आदमियों को, सिर्फ 5 आदमियों को नमाज पढ़ने की अनुमति दो, पूरा प्रांगण सील करो, सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंट सिटिंग जज या रिटायर्ड चीफ जस्टिस के अंदर कमीशन बनाओ, पूरा सर्वे मॉनिटर करो, 6 महीने में पूरी कंप्लीट रिपोर्ट लाके इस देश के सामने रखो। यही बात भाई आपका एक साल से बोल रहा था, आज से ही साबित हो रहा है। यह साबित नहीं हो रहा है कि सर्वे रिपोर्ट मंदिर के पक्ष में आ गई है या मस्जिद के पक्ष में आ गई है, कम से कम रास्ता वो लिया जा रहा है जो आपके भाई ने साल भर पहले बोला था और लोग आपके भाई का विरोध करते थे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।